गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स, फिर उसके बाद में डेलीगेशन, उसके फीचर्स और डेलीगेशन कंप्लीट हम कर चुके थे। आज हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस से सेंट्रलाइजेशन हट चुका है, तो अभी केवल डिसेंट्रलाइजेशन आपके सिलेबस में रह गया है। ठीक है, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन पर अब हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जो मैनेजमेंट का सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था, कुछ बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का भी कंसेप्ट है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जहां पर टॉप मैनेजमेंट या हम बात करें अथॉरिटी जो कमांड देती है, वो पावर्स अपने पास रखती है, यानी पावर्स को सेंट्रलाइज करती है वो। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का जो, अगर हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के कंसेप्ट को हम स्ट्रक्चर से अगर हम कंपेयर करें, तो सेंट्रलाइजेशन फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और डिसेंट्रलाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड सीन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ वेरियस बिजनेस एंटरप्राइजेस। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन बाय हायर मैनेजमेंट लेवल्स, वेयर एज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड व्हेन सच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जहां डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी केवल मैनेजमेंट के पास होती है, या टॉप मैनेजमेंट की हम बात करें, टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटीज डेलीगेट की जाती हैं, यानी पावर्स दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जिससे कि काम को इजीली, टाइम पर, अच्छे तरीके से, वेल डिफाइंड मैनर में कंप्लीट किया जा सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन होना ठीक है, पावर्स का सेंट्रलाइजेशन होना ठीक है, और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना ठीक है, क्योंकि जहां सेंट्रलाइजेशन होगा पावर्स का, वहां पावर्स का मिसयूज होगा। मिसयूज इन द टर्म्स के वहां पर एम्प्लॉइज की फीलिंग्स को, उनकी वर्किंग कंडीशन को स्टडी नहीं किया जाता, बस ऑर्डर्स दिए जाते हैं और उनको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर मोनोपोली चलेगी, क्योंकि मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन बीइंग से काम कराना है हमको, तो मैनेजमेंट में उनका भी ध्यान रखना जरूरी है, उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। तो जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में जहां पावर्स को डेलीगेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहां पर भी पावर्स के मिसयूज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कंट्रोल नहीं रहता। डिसेंट्रलाइजेशन की एक सबसे बड़ी कमी है, वहां पर कंट्रोलिंग सिस्टम इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट में उनको भी डिसीजंस में, वर्किंग कंडीशंस में सबऑर्डिनेट्स को भी शामिल कर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। Complete centralization would imply concentration of all decision-making functions at the apex of the management hierarchy. Such a scenario would obviate the need for a management hierarchy. On the other hand, complete decentralization
would imply the delegation of all decision making functions to the lower level of the hierarchy, and this would obviate the need of higher managerial position. Both the scenario are unrealistic. क्योंकि ये unrealistic है, ना तो completely कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होनी चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रलाइज होनी चाहिए, और ना ही वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए देखें कि डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट फंक्शन हो सकता है या किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है. तो इन जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक फंडामेंटल स्टेप है और इम्पोर्टेंट फंक्शन है. देखिए क्या है. नंबर वन, डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग सबॉर्डिनेट्स. डिसेंट्रलाइजेशन से एक फायदा होगा, एक बेनिफिट ये होगा कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो काम करने के लिए आगे आएंगे. इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आ जाएगी कि वो खुद ब खुद अपने आप ही सिचुएशन को देख करके अपनी स्किल के बेस पर काम करने के लिए आगे आएंगे. और ये इससे हमको एक स्किल्ड पर्सनल्स भी मिल जाएंगे और मौका भी एक उनके पास में होगा आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए. डेवलप्स मैनेजेरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. जब वो आगे बढ़ के काम करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आके काम करेंगे, उनको पावर्स डेलीगेट की जाएंगी, वो सीखेंगे. क्योंकि हमने अभी सीखा था कि डिसेंट्रलाइजेशन में एक फंक्शन डेलीगेशन का होता है. ठीक है, यानी कि पावर्स को डेलीगेट किया जाता है. तो उससे क्या होगा, जो हो सकता है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें से फ्यूचर के कुछ मैनेजर निकल के आए एक्सपीरियंस के बेस पर, तो उनकी स्किल और टैलेंट जो है वो डेवलप हो जाता है अलग अलग तरीके के काम करके. तो यहाँ से फ्यूचर के मैनेजर भी यहाँ से इजीली डेवलप किए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग. क्योंकि जब आप मैनेजमेंट में शामिल कर लेंगे सबॉर्डिनेट्स को, तो वो भी अपनी राय देंगे. हो सकता है कि सबॉर्डिनेट्स में से ही कोई एक बहुत अच्छा डिसीजन आपको निकाल करके दे दे, किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे दे. तो उसमें क्योंकि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो उनमें से क्विक और अच्छा डिसीजन निकल करके वहां से आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन में, जहां पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है. रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट. क्योंकि यहाँ पर डेलीगेशन फंक्शन परफॉर्म होता है, तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को एक रिलीफ मिलता है. और रिलीफ से क्या होगा कि वो टाइम जो है वो अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस और हैं जो उन पर वो स्पेंड इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ. जैसे आपने डेलीगेशन में देखा कि वहां पर ओवरऑल ग्रोथ होती है, ऐसे यहां पर भी डिसेंट्रलाइजेशन में, जहां पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सब अपना अपना काम करते हैं, बर्डन हल्का हो जाता है, कम हो जाता है, तो हर तरफ बिजनेस में ग्रोथ होने लगती है, चाहे वो मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से हो या आप देखिए एम्प्लॉइज के एस्पेक्ट से हो या फर्म के एस्पेक्ट से हो, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और प्रॉफिट्स भी साथ में इंक्रीज होने लगते हैं. बेटर कंट्रोल. पावर्स को अगर डिसेंट्रलाइज किया जाए या तो उसमें क्या होगा कि एक एक डिपार्टमेंट पे आप अगर एक हेड बना देते हैं, तो वो इजीली अपने सबॉर्डिनेट्स को, जिनको पावर्स डेलीगेट की गई है, उन लोगों को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है. तो यहाँ पर कंट्रोलिंग सिस्टम इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन आपको डिपार्टमेंट पर एक हेड जरूर बनाना पड़ेगा और उसको उसकी ड्यूटीज बतानी होंगी. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये फर्म के लिए अच्छा है, लेकिन बस यहाँ पर आपको अपना कंट्रोलिंग सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कंपेरेटिव व्यू देखेंगे कि ये क्या है, जिससे हम इसको इजीली समझ पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही बस. थैंक यू.